टाटा आईपीएल 2024 का मैच नंबर 7 जो कि चेन्नई सुपर किंग और गुजरात टाइटन के बीच में खेला गया। टॉस के समय ही सुमन गिल कुछ ऐसा किया कि सारा स्टेडियम को हंसी आ गई। टॉस जीतकर सुमन गिल कभी बोलते बैट फर्स्ट तो कभी बॉल फर्स्ट, यह बंदर के जनक का दिमाग हमेशा सारा तेंदुलकर पे ही रहता है। दोनों के दोनों मैचों में कोई बड़ा स्कोर खड़ा नहीं किया है और रखो सारा पर ध्यान, सीएसके पहले बैटिंग करते हुए 206 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया जिसमें सीएसके की ओर से टॉप स्कोरर शिवम दुबे रहे जिसने 23 बॉलों में 2 चौके और 5 छक्के की मदद से 51 रनों की पारी खेली। ये ड्रेसिंग रूम के अंदर से ही सेट होकर आया था। बॉलिंग्स में मोहित शर्मा, यहां तक राशिद खान को भी ठीक ठाक पिटाई हुई है। राशिद ने अपने 4 ओवरों में 49 रन दिए, हालांकि 2 विकेट भी लिया और जब गुजरात टाइटन 207 रनों का पीछा करने उतरी तो ताश के पत्तों की तरह विकेट गवाए, आओ जी जाओ जी चल रहा था, उसकी वजह से गुजरात टाइटन 63 रनों से हार गई। और वहीं बात करें सीएसके की बॉलिंग की तो दीपक चहर, मुस्तफिजुर रहमान और तुषार देशपांडे 2-2 विकेट झटके इस मैच के कई हीरो रहे, लेकिन सीएसके की ओर से ऋतुराज गायकवाड़, सचिन रविंद्रा ये क्या खाकर आता है जो दोनों के दोनों मैचों में इसका 200 प्लस या स्ट्राइक रेट है। और शिवम दुबे इस मैच के हीरो रहे, शिवम दुबे को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। ये नयका लड़का वह कौन है वो जो धोनी जडेजा से पहले आकर अपने आईपीएल की शुरुआत छक्के से किया, बताओ तो जरा। राशिद खान में अच्छा अच्छा बैट्समैन छक्का मारने में सोचता है और ये उसकी ओवरों में 2-2 छक्के मार दिया। वैसे मैच में कोई जान था ही नहीं, सीएसके बैन साइडेड गेम जीत गई। तो दोस्तों वो नयका लड़कावा का क्या नाम है, आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम।